हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित झालावाड़ सिटी की, जिसे राजस्थान की ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास से पता चलता है कि झालावाड़ पहले कोटा जैसे रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1719 में कोटा रियासत के प्रमुख सेनापति झाला जालम सिंह जी ने इस नगर की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 में राजा मदन सिंह जी की थी। आपको बता दूं कि दोस्तों, यह अंग्रेजों के शासन काल में बसी राजस्थान की तीसरी तथा सबसे नवीनतम रियासत है। झालाव का शहर झालावाड़ पुराने समय में उम्मेदपुर की छावनी जैसे प्रमुख नामों से जाना जाता था, जबकि आज के समय में यह जाना जाता है व्रज नगरी, नागपुर ऑफ राजस्थान, झालाव की भूमि, छेरापुंज ऑफ राजस्थान और राजस्थान की ऑरेंज सिटी जैसे नामों से। अब बात करें झालावाड़ के क्षेत्रफल की, तो लगभग 6219 वर्ग किलोमीटर में फैला झालावाड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 22वां सबसे बड़ा जिला है। साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार झालावाड़ की टोटल पॉपुलेशन 14,11,129 है, जो झालावाड़ को बनाता है राजस्थान का 24वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला। साथ ही यहाँ पर मुख्य रूप से हाड़ौती, मालवी और हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। झालावाड़ की अर्थव्यवस्था ऑरेंज यानी संतरों पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से इसे राजस्थान का नागपुर यानी संतरों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, झालावाड़ में 300,000 टन से भी ज्यादा संतरे का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। झालावाड़ के प्रसिद्ध संतरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से झालावाड़ को प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर झालावाड़ की खेती की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा संतरे, चावल, मक्का, धनिया और सोयाबीन की खेती की जाती है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश झालावाड़ में होने के कारण इसे राजस्थान का छेरापुंज भी कहा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र भी झालावाड़ का झालरापाटन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।